दोस्तों, इस वीडियो में मैच कवर करने वाले हैं एशिया T20 क्वालिफायर का, जो कि थर्ड मैच खेला जाएगा सीरीज का, UAE वर्सेस सिंगापुर का मैच। अगर आप देखो तो ये मैच ना सीरीज अभी नई नहीं है, लेकिन ये मैच सही है इन्वेस्टमेंट के, क्योंकि दोनों टीम से फर्स्ट फर्स्ट मैच खेले, तो आप चाहो तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में इन्वेस्टमेंट करना। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मैच इन्फॉर्मेशन, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो को आखिर तक देखना, इस वीडियो से बहुत कुछ सीख के जाओगे। लेकिन फायर टीम के लिए इसमें जैसे कुछ भी चेंजेस हो सकते, तो फायर टीम के लिए फाइनल अपडेट्स के लिए कंफर्म बैटिंग ऑर्डर के लिए आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल यूज हो जाए। आपको फाइनल स्मॉली टीम शेयर कर दूँ, ग्रैली टीम शेयर कर दूँ, डेडलाइन से 15 मिनट पहले। सबसे आसान एंड सबसे बेस्ट मेथड है, मैं एक लिंक पिन कर दूँगा कमेंट बॉक्स, आप उसके थ्रू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक है, आप उसके थ्रू कर सकते हो। दोनों लिंक 100% काम करता है, तो टेलीग्राम चैनल यूज से ज्वाइन करें। अगर आपको सर्च करना हो तो सिंपली टेलीग्राम के सर्च बार में जाना, सर्च करना ऐप 11 टीम। आप सर्च करो बिना स्पेस देखे तो एक चैनल आपको देखने को मिलेगा, जहां पे 41,000 से ज्यादा लोग हैं, 41,000 से ज्यादा लोग ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखे। तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन 41,100 से ज्यादा लोग ऑफिशियल ज्वाइन करना लिंक के थ्रू। लिंक 100% काम करते, जहां पे डेली फ्री विनिंग टीम प्रोवाइड करते, तो डेडलाइन से 15 मिनट पहले। कल भी हमने मैच कवर किया एक तरफा विन के, तो ऑफिशियल ज्वाइन करना लिंक के थ्रू। लिंक 100% काम करते, 41,000 से ज्यादा लोग है। एंड अब बात करते तो सही है ना, थर्ड मैच है सीरीज का ना, थर्ड मैच ही होगा, देख लेते एक बार। देखो ऐसा नहीं मैचेस खराब, अभी तो उस चीज़ का लाइन लग जाएगा। देखो अभी थर्ड मैच है और ये मैच 7:30 पे स्टार्ट हो जाएगा। एक्जैक्टली आपको 7 बजे आपको एक्टिव रहना है। एक्जैक्टली ठीक है, लाइव देख सकते हो डिज्नी हॉट प्लस हॉट स्टार पर देख सकते हो। कोई स्पॉन्सर नहीं, बस बता दे, बहुत से यूजर्स पूछने लगते हैं। बात करते पिच रिपोर्ट दोस्तों, जो विकेट है, अगर आप देखो ये जो विकेट है ना, ये न्यूट्रल विकेट, ये ना मैच ओमान में खेला जाएगा, जहाँ पे CWS लीग वनडे मैचेस खेले जा नहीं रहे थे, वहीं पे सेम वेन्यू सेम विकेट पे मैचेस खेले जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बात करते जो पहले टॉस जीते पहले बॉलिंग करना ज़्यादा परफेक्ट करेंगे। बात करते सबसे पहले सिंगापुर का, जो कि लाइनअप सोनी चाहिए, ओपन करेंगे रोहन रंगनजरन, ओपन करते टीम से एंट्री डुटा के साथ, ओपन करते टीम से अरिंदर डुटा, टीम से ठीक ठाक पे रेजा, जो कि वंडर बैटिंग है, टीम से एक हीटर है लेकिन आउट ऑफ फॉर्म है एकदम से। जनक प्रकाश फोन है बैटिंग प्लस देते हैं बॉलिंग करते हैं, टीम से अच्छे प्लेयर है। इनके पास दो ही डेथ ओवर के प्लेयर्स है, एक है जनक प्रकाश और साथ से इनके कैप्टन अमजाद महबूबी, जो कि देते हैं बॉलिंग करते हैं, इन यही दो करते हैं। मनप्रीत सिंह जो कि फिर नया बैटिंग करेगा, अभी दीक्षित खेलते रहने वाले टीम से, चंद्रमोहन जो कि एक ओपनर टीम से काफ़ी अच्छे प्लेयर टीम है से, उसके आर एम उसके अलावा आर एम एन सुनील जो कि काफ़ी टीम जीतते से विकेट टेक रहे। आप बैटिंग से होप मत करना, बॉलिंग से होप कर सकते हो। अमजाद महबूब कैप्टनसी कर रहे, देते हैं बॉलिंग कर सकते हो, टीम से एक मस्ट पिक होनी चाहिए, प्लस न्यू बॉल से स्टार्ट करते फर्स्ट पावर प्ले बॉलिंग करते, उसके विनोद भास्करन और अक्षय पुरी। तो दोस्तों ये है सिंगापुर सिंगापुर का लाइनअप है विद बैटिंग ऑर्डर। एंड बात करते हैं UAE का, जो कि होनी चाहिए, ओपन करेंगे मोहम्मद वासिम ओपन, जो कि हीटर है। मैंने आपको ये चीज़ बोला था कि आज सामने कमजोर टीम है, तो इनको कैप्टन से रोटेट हो, हीटर है, करंटली आउट ऑफ फॉर्म थोड़ा सा चल रहा है, लेकिन अच्छा प्लेयर है। ओपन के आर्यन लकड़ के साथ ओपन करेंगे, वन आउट से चिराग सूरी जो कि अंडर बैटिंग करेंगे टीम इधर से, उसके अलावा वीयर विन जो कि टीम से फोन है बैटिंग, रोहन मुस्तफ़ा फिर नया बैटिंग करें, बासिल अहमद खेलते हैं जब आ जाएंगे, सीपी रिजवान जो कि कैप्टनसी बंदा कर रहा है, अहमद राजा, चुनिस्टिव, जहूर खान और कासिफ डॉट। तो ये है UAE का लाइनअप्स बैटिंग ऑर्डर। बस एक चेंज हो सकता है कि यहाँ से ना आर्यन लकड़ा ओपन नहीं करेगा, चिराग सूरी ओपन, जो कि मैंने आपको बोला था दोस्तों सामने कमजोर टीम है, और चिराग सूरी की टीम अगर पहले बैटिंग है तो आप इनको कैप्टन रोटेट कर सकते हैं, मैंने वीडियो में बोला था, तो आप इनके साथ जा सकते हो। तो ये लाइनअप्स है, बैटिंग ऑर्डर तो पता ही है कि हमने बोला था चिराग सूरी 88 रन स्कोर किए थे ना, ये मैंने बोला था आप इनको ग्रैनी टीम कैप्टन रोटेट करके पहले बैटिंग हो तो। एंड उसके अलावा आज के मैच के टॉपिक्स से थे टीम से आदित्य दत्ता, जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे टीम उधर सिंगापुर की टीम उधर से, अमजाद महबूब इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप कवर कर लें, देखते हैं बॉलिंग कर सकते। बाकी जो अपडेट्स हैं मैं आपको टेलीग्राम पे जूस इन्फॉर्म कर, देखो मैं स्टैट्स वगैरह पे फिर के स्टैट्स के पीछे उतना पढ़ो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, बहुत अच्छी टीम बन जाती है क्योंकि हर एक प्लेयर को आप अच्छे से जानते हो। तो बात करते प्लेयर वाइज साइन, बाकी टेलीग्राम पे एक्टिव रहना, 41,000 से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर रखे। देखो इसके बाद मैं इस मैच के वीडियो पर भी जूस थे, बाकी ये मैच की मैंने वीडियो अपलोड किया, आप इसे देख लेना। बात करें विकेट कीपर सेशन, देखो लॉजिकली समझाऊंगा, वीडियो को आखिर तक देखना। बात करें विकेट कीपर सेशन, लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को जूस लाइक, जैसे मोटिवेशन मिलती प्लीज वीडियो को जूस लाइक कर दीजिएगा। चैनल सबसे पहले ऑन कॉल पर आने वाले वीडियो सबसे पहले को नोटिफिकेशन मिले। बात विकेट कीपर सेशन, देखो वियर में सबसे बेटर ऑप्शन है, पीछे बैटिंग फ्रेंडली आप इनके साथ जा सकते हो, एक मस्ट पिक होनी चाहिए, और इनके से फायदा है कि टीम से टॉप ऑर्डर बैटिंग करेंगे, तो इन्हीं के साथ जाओ। उसके अलावा चिराग सूरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, सीपी रिजवान जो कि कैप्टनसी कर रहे हैं इस बार, लेकिन साइड रखते सबसे पहले चंद्रमोहन को भी पिक कर सकते, लेकिन वासिम मोहम्मद इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो थर्ड ऑप्शन है रेजा है, ए दत्ता है, जो कि काफ़ी अच्छे प्लेयर, आप इनके साथ जा सकते हो, ओपन करेंगे, मस्ट पिक होनी चाहिए। चाहो तो उनके अलावा आप आर रंगन जगह ट्राई कर सकते, जो कि ये भी काफ़ी सही पिक है, ये भी काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर टीम तब से, बट ये क्या कि घंटे फॉर्म में चल रहा है, बस यही फ़र्क है। अरिंदर दत्ता के साथ जा सकते हो, देखते टीम तब से लास्ट मैच इसने स्कोर किया था 29, तो
मेरा मन तो अभी भी कह रहा है आर रजिन के साथ जाए, बट साइड रखते उसके अलावा ये दो तक साथ ही जाते हैं। वासिल अहमद इंपॉर्टेंट है टीम तक से, मैंने लास्ट सोचा वाइस कैप्टन भी किया था उसके लिए। रोहन मुस्तफ़ा इंपॉर्टेंट है टीम तक से, आप इनके साथ जा सकते हो। वासिल अहमद ये कंटली फॉर्म में चल रहा है, हर एक मैच विकेट लेके जा रहा है, हर एक मैच में रिसेंट फॉर्म भी आपको याद ही हो इसका। उसके अलावा एक दीक्षित वगैरह साइड रखते, कुछ ज़्यादा बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है नहीं। नीचे ये यहाँ पे ना आर्यन उछरू काफ़ी अच्छे प्लेयर जा सकते इनके साथ। कासिम डॉट भी काफ़ी अच्छे विकेट टेकिंग प्लेयर, बट साइड रखते हैं। बॉलिंग सेशन से रेजा अहमद इंपॉर्टेंट है टीम इधर से, आप इनके साथ जा सकते हो। जूनियर स्टीव के साथ जा सकते हो, ऑलरेडी मैं 7 पेस ले चुका हूँ। मुझे लेना पड़े जनक प्रकाश जो कि इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो फोन है बैटिंग करने में, यार करंटली फॉर्म में चला, आपको याद होगा जो रिसेंटली जो सी चल रहा था T20 सीरीज उसमें अच्छे फॉर्म में चले थे जनक प्रकाश, तो आप जा सकते हो। जो सीरीज नहीं चल रहा था मलेशिया T20 जिसमें नहीं था जर्सी वर्सेज मलेशिया, जर्सी वर्सेज सिंगापुर ऐसे सीरीज चल रहा था, उस पर अच्छे फॉर्म में चले थे, आपको याद होगा। तो इंपॉर्टेंट है टीम तरह से जहूर खान वगैरह मैं पिक करना चाहता हूँ, विकेट टाइप है अमजाद में वो इंपॉर्टेंट। देखो अभी तक तो फिलहाल इस टीम से आके कॉन्टेस्ट बुक कर, लेकिन मेरा मन अभी भी कहता है कि अभी भी जहूर खान को पिक करने के लिए, जो कि मैं पिक करूँगा ही करूँगा। अभी पिक नहीं कर रहा, ऐसे ही छोड़ दिया जहूर खान को, लेकिन वो बंदा विकेट टेकिंग प्लेयर है तो उसको पिक करना इंपॉर्टेंट है टीम तरह से। कैप्टन से अपना बात करें तो फिलहाल के जो भी कैप्टन प्रिफे करूंगा, दो सबसे बेटर ऑप्शन है। पहला वासिल अहमद, अगर पहले बैटिंग तो चिराग सूरी के साथ भी आज कंटली फॉर्म में चल रहा है, मैंने आपको वीडियो में बोला था फर्स्ट मैच की वीडियो में। फिलहाल मैं एज ए कैप्टन वासिल अहमद के साथ जो कि कंटली फॉर्म में चल रहा है, बैटिंग भी आ जाती है प्लस बॉलिंग से टीम से विकेट टेकिंग प्लेयर है, जा सकते हो। वाइस कैप्टन चिराग सूरी के साथ जाओ, वसीम मोहम्मद को ग्रैंड टीम ट्राई करके, विकेट टीम में से ना पार्ट टाइम बॉलर टीम में से, हालांकि बॉलिंग से होप मत करना, पार्ट टाइम बॉलर टीम में से T10 में बॉलिंग वगैरह करते थे, और टीम में से यही नहीं टीम में से ना हीटर है, तो बहुत बड़ा हीटर है, तो आप इनके साथ जा सकते हो। वाइस कैप्टन ग्रैली की टीम में एज ए कैप्टन वासिल अहमद के साथ जो रोहन मुस्तफ़ा अपना वाइस कैप्टन, क्योंकि देखो वासिल अहमद से पहले बैटिंग करने आएगी रोहन मुस्तफ़ा, तो ऐसे अपना वाइस कैप्टन जाओ। आप चाहो तो CVC को रिवर्स करते हो, स्वाइप करने का मानो तो स्वाइप कर सकते हो। अभी के लिए फिलहाल के लिए सेम टीम से जाकर अमाउंट इन्वेस्ट कर दो अभी के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये थी मेरी स्मॉल स्मॉल, लेकिन वो सेम टीम से जा सकते अमाउंट इन्वेस्ट करें, ग्रैली टीम खुद से बना लेना, या चिराग सूरी वसीम मोहम्मद को पिक कर लेना, जहूर खान को कैप्टन रोटेट करना, वसीम मोहम्मद को कैप्टन रोटेट कर लेना, ऐसे टीम्स बना लेना ग्रैलिक की। मैं कोशिश करूँ ग्रैलिक टीम ट्रेनिंग पे जोर से शेयर करूँगा। अभी सेम टीम से जाओ, जनक प्रकाश को अपना वाइस कैप्टन बना सकूँ, फोन है बैटिंग कर लेके, मैं जनक प्रकाश को अपना साथ वाइस कैप्टन जाना चाहूँगा, जो एक काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर टीम उधर से, तो अपना वाइस कैप्टन जनक प्रकाश के साथ हो। दोस्तों ये थे मेरे फाइनल स्मॉल टीम, स्मॉल ही खेलूंगा। जनक प्रकाश का फोन है बैटिंग करने आ रहे, प्लस चार ओवर बॉलिंग पा रहे हैं, दस में बॉलिंग करने आ सकते हैं, तो सेम टीम से जाओ अमाउंट इन्वेस्ट करने। कोई चेंजेस होगा, कोई ट्रम्प कार्ड पिक्स मुझे मिलेगा तो टेलीग्राम पे सबसे पहले इन्फॉर्म करूंगा। जहूर खान इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे तो फाइनल टीम में मैं पिक करूंगा, अभी नहीं पिक किया बट फाइनल टीम में जो उसे पिक करूंगा, तो उसका अपडेट आपको टेलीग्राम पे करूंगा। तो फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम चैट पे एक्टिव रहना, 41,100 से ज़्यादा लोग हैं, ऑफिशियल ज्वाइन करना लिंक के थ्रू, लिंक 100% काम करता है। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करना, जब तक वीडियो जो लाइक करें चैनल सबसे बिल्कुल और पर सेट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट मैच की वीडियो साथ, नेक्स्ट मैच की वीडियो वही वुमेन मैचेस की वीडियो तो अपलोड कर दिया हूँ, आप द 100 मैच वाला मैच का आएगा।